चंदौली जिले के सकलडीह विकास खंड क्षेत्र के केशवपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को चलो चंदौली अभियान के तहत जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि सकलडीह संयुक्त विकास खंड अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए ग्रामीणों को जानकारी दी। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। वहीं पंचायत विभाग, राजस्व विभाग, आजीविका मिशन, कृषि विभाग, कौशल मिशन, बाल विकास परियोजना विभाग, श्रम विभाग, सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, आपूर्ति विभाग आदि के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। चलो चंदौली जन चौपाल में विभिन्न विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉलों से सीधे गांव में लोगों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लोगों को लाभ जानने वाले देने का मौका मिला है। इसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं हो पा रही थी। ग्राम पंचायतों में अलग अलग दिनांकों पर चलो चंदौली जन चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसका लाभ भी मिल रहा है, जिससे योजनाओं की जानकारी लेने के लिए अब किसी अधिकारी व कर्मचारी के यहाँ चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्या व्यवस्था है सर, क्या कार्यक्रम है? ये जो कार्यक्रम है, ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। सभी विकास खंडों में प्रत्येक शुक्रवार को दो ग्राम पंचायतों में प्रशासन आपके द्वार के तहत ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आम लोगों को जागरूक करना, सरकारी योजनाओं के बारे में बताना, यदि कोई उससे वंचित है तो उनको ये योजनाओं का लाभ दिए जाने के लिए व्यापक जानकारी और कैंप के माध्यम से चीजें किया जाना है। साथ ही गांव में जो विकास कार्य हुए हैं या लाभार्थी परक योजनाओं में जो कार्य हुए हैं उनका सत्यापन भी इस कैंप के माध्यम से किया जाएगा। और सर कुछ विशेष बताएंगे? जो भी यहाँ पे जैसे पंचायती राज विभाग के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिवालयों की स्थापना की गई है और सचिवालय पे पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है और पंचायत सहायक के माध्यम से ही गाँव में ही जन्म मृत्यु, उसके साथ आपका आधार कार्ड से संबंधित सेवाएं और आयुष्मान गोल्डन कार्ड गांव पे ही बनाया जा रहा है। साथ में खतरा खतौनी की नकल, इंतखाब या आय जाति निवास की भी सुविधाएं अब गाँव के माध्यम से ही दी जा रही है, ताकि गांव के लोगों को कहीं बाहर भटकना न पड़े और उनकी समस्याओं का यही निदान हो सके। चंदौली से रंजीकांत पांडे की रिपोर्ट।